दोस्तों, हम इंसानों ने वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिस वजह से काफी वाइल्ड एनिमल जंगलों में रहने की कमी और खाने पानी की तलाश में इंसानों की बस्तियों की तरफ आ जाते हैं और खुद को बचाने और भूख मिटाने के लिए इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जैसे खतरनाक जंगलों के साथ साथ कई बड़े और छोटे खूबसूरत खतरनाक जंगल भी मौजूद हैं, जिसमें कई तरह के खूबसूरत पक्षी और वाइल्ड एनिमल रहते हैं। वाइल्ड लाइफ में सभी जानवरों का अपना अपना वर्चस्व और महत्व है, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमने हमारी सुख सुविधाओं के लिए हमारे पर्यावरण और जंगलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिस वजह से वाइल्ड एनिमल और जंगल में रहने वाले पक्षियों को काफी परेशानी हो रही है। न ही उनके पास रहने के लिए घर है और ना ही खाना। इसी वजह से ये वाइल्ड एनिमल अपनी जान की परवाह किए बिना खाने की तलाश में इंसानों के घर में घुस आते हैं और उन पर हमला भी कर देते हैं। जैसा कि इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं, एक तेंदुआ इंसानों की बस्ती में घुस आया है और अपनी जान बचाने के लिए वह इंसानों पर हमला कर रहा है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन इस पर चिंतन करने की जरूरत है, जिससे वाइल्ड एनिमल भी सुरक्षित रहे और हम भी। अगर अभी भी इस ओर सोचा नहीं गया तो कई वाइल्ड एनिमल विलुप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी केवल इन्हें किताबों और फोटो में ही देख पाएगी। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि जब कोई वाइल्ड एनिमल इंसानों की रहने वाली जगहों पर मजबूरी में आ जाता है और इंसानों पर हमला कर घायल भी कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वन विभाग इन वाइल्ड एनिमलों को दवाइयों के माध्यम से बेहोश कर बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस जंगल में छोड़ देता है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने अपने आसपास वाइल्ड एनिमल को आते और पालतू जानवरों और इंसानों पर हमला करते या अटैक करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जानवर अपनी जान जोखिम में डालकर रेसिडेंशियल एरिया में क्यों आ जाते हैं? जबकि ये वाइल्ड एनिमल हम इंसानों से ज्यादा डरते हैं, फिर भी ये हमारे गांव और शहरों में आ जाते हैं। वो इसलिए कि हम इंसानों ने इनके घर उजाड़ दिए हैं और ये जीव अपना घर और खाना तलाशने के लिए हम इंसानों के घरों और शहरों की ओर आ रहे हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है, हमें हमारे पर्यावरण को बचाना होगा, साथ ही इन वाइल्ड एनिमल और पक्षियों को भी बचाना होगा, जिससे हमारी पृथ्वी का संतुलन बना रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी इन वाइल्ड एनिमलों को किताबों और फोटो में देखने के बजाय इन्हें सामने से देख सके। इसलिए हमें नए जंगलों का निर्माण करना होगा और साथ ही जो जंगल खत्म हो रहे हैं उन्हें बचाने के साथ साथ वाइल्ड एनिमल का संरक्षण भी करना होगा, ताकि हमारे पर्यावरण के साथ साथ जीवन चक्र भी सही तरीके से चल सके। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।